Hey guys, what's up? Welcome back to another video. आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीमी एमुलेटर के बारे में. सो लास्ट टाइम जब मैंने इस पे वीडियो बनाया था तो यार एक बिल्कुल न्यू एमुलेटर था और वहां पर यार काफी ज्यादा लैग इशू देखने को मिला था. बट अभी इस एमुलेटर में एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है वर्जन 2.0 जहां पर यार काफी तगड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है स्पेशली द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 गेम के अंदर. और आप देखोगे यार काफी ज्यादा तगड़े यहाँ पर FPS देखने को मिल रहे हैं. सो ये वीडियो काफी ज्यादा नेक्स्ट होने वाला है जिसको आपको सेटअप भी बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ गेम्स भी टेस्ट करेंगे. सो वीडियो को देखना आप लोग शुरू से लेकर एंड तक एंड चैनल पर सब्सक्राइब भी लेना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अमेजिंग वीडियो. सो गाइस ये हमारा सीमी एमुलेटर. यहाँ पर गाइस इसको सेटअप करना बहुत आसान है. सेटिंग में जाना है, ऐड गेम्स पे क्लिक करेंगे, देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे. यहाँ पर आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो आ जाएगा. यहाँ पर आपने कोई भी एक फोल्डर बना लेना है वी गेम्स करके. तो मैंने यहाँ पर एक बना रखा है, इसमें सारे गेम्स हैं. तो इसको यूज दिस फोल्डर करके अलाउ कर देंगे. और अभी गेम शो नहीं हो रहे होंगे तो उसके लिए आपको अपनी की सेट करनी होगी. तो की सेट करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है. सिंपली आपको जाना है जेड आर्चीवर में, अपनी keys.txt फाइल को कॉपी कर लेना है, जाना है डिवाइस स्टोरेज में और एंड्रॉयड में जाके डेटा में जाना है और नीचे स्क्रॉल करना है. यहां पर आपको info.cmu वाली फाइल मिलेगी, इसको ओपन करना है. देन फाइल्स के अंदर जाएंगे, यहां पर आपको पेस्ट कर देना है और अप्लाई करके रिप्लाइस कर देना है. तो ये आपकी की सेट हो चुकी है. और अभी यहां पर आपको एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना है और आपके सारे गेम्स यहां पर लोड हो जाएंगे. तो यहां पर अब हमारा सीमी एमुलेटर सेटअप हो चुका है. बट गेम्स रन करने से पहले आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, देन यहां पर जाना है इनपुट सेटिंग्स में और यहां पर कंट्रोलर 1 पे जाके आपको सिंपली जो वी कंट्रोलर है इसको इनेबल कर देना है. तो यहां पर वी यू प्रो कंट्रोलर को मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारा कंट्रोलर सेटअप हो जाएगा. उसके बाद कोई भी गेम को रन करने के लिए सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है. सबसे पहले मैंने यहाँ पर सुपर मारियो 3D वर्ल्ड गेम रन किया, जो कि यार पिछली बार भी मैंने टेस्ट किया था, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा लैग वहाँ पर इशू देखने को मिल रहा था. बट यहाँ पर है, आप देख सकते हो मैं डायरेक्टली गेम प्ले आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड FPS हो चुके हैं. बट ये लैग नहीं है, ये कुछ ग्लिच है जो कि काफ़ी स्लो कर रहा है गेम को. इसको फिक्स करना चाहिए इसके नेक्स्ट अपडेट में. बट अभी जो यहाँ पर इस अपडेट में मेजर इंप्रूवमेंट आई है वो आई है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 गेम के अंदर. वो भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, आप देख लेना. काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है गेम प्ले ओवरऑल. बाकी यहाँ पर आप जो इनके कंट्रोल लेआउट है इसको एडिट भी कर सकते हो. यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो आप मूव करने का ऑप्शन है, दूसरा स्ट्रेच ऑप्शन है, जिससे कि कंट्रोल के साइज को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. और जब ये पूरी तरह से सेटअप हो जाए यहाँ पर आपको मिडिल में डन ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर डन पे क्लिक करोगे तो ये आपका कंट्रोलर यहाँ पर सेटअप हो जाएगा और भाई इजीली गेम रन कर सकते हो. तो भाई यहाँ पर जो आपको स्लो गेम प्ले दिख रहा है ये लैग नहीं है, ये बेसिकली कुछ ग्लिच चल रहा है. आप देख सकते हो जो लैग होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टटरिंग इशू दिखाता है. ये काफ़ी स्लो हो चुका है तो उससे पता चलता है कि यार यहाँ पर लैग नहीं है, ये कुछ ग्लिच है जो कि फिक्स हो सकता है इन फ्यूचर. बट फिलहाल अभी भी एमुलेटर काफ़ी ज़्यादा न्यू है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते नहीं है, ज़्यादा सेटिंग्स ऑप्शन जिससे कि आप इसको इंप्रूव कर सकते हो. तो ये फ्यूचर में खुद ही अपडेट करेंगे, इसे खुद ही इंप्रूव करेंगे, जैसे कि यहाँ पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 गेम के अंदर इन्होंने अपडेट किया हुआ है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 गेम मैंने रन कर लिया है और अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा ताकि डायरेक्टली आपको गेम प्ले दिखा सकूं. बट यहाँ पर अभी ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है गेम. यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस देखने को मिल रही है इस एमुलेटर के अंदर इस गेम के साथ. बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो लैग बिल्कुल भी नहीं है, एकदम स्मूथली गेम चल रहा है और ग्राफिक्स की भी कोई कमी नहीं है. आप देख सकते हो जो इसके ग्राफिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही ज़्यादा तगड़े टेक्सचर देखने को मिल रहे हैं. बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डार्कनेस इशू है, जो कि यार इन फ्यूचर फिक्स हो सकता है आई थिंक. बट ये जो इशू है अभी फिलहाल के लिए सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको इसे ऐसे ही खेलना पड़ेगा. बट काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है देखने में, आपको विजुअल्स अच्छे से क्लियर दिखते नहीं है, डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा है. बट ओवरऑल यार फिर भी आप इसे खेल सकते हो क्योंकि काफ़ी स्मूथ हो चुका है ये और पहले से काफ़ी ज़्यादा लैग फिक्स हो चुका है. बट लाइट के नीचे ही आप इसे आप क्लियरली देख सकते हो कैरेक्टर को, अगर थोड़ी सी डार्कनेस में जाते हो तो कैरेक्टर दिखना भी मुश्किल हो जाता है. तो यही यहाँ पर इशू है, इन फ्यूचर ये भी सॉल्व हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अभी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया एमुलेटर को. यहाँ पर इस एमुलेटर के अंदर मैंने कुछ और गेम्स भी टेस्ट करे थे जहाँ पर यार मेरे को क्रैशिंग इशू देखने को मिला था. क्योंकि गाइस ये जो एमुलेटर है ये बिल्कुल न्यू है और अब फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर काफ़ी सारे गेम्स आपको मिल जाते हैं जो कि आप खेलना चाहोगे. लेकिन अभी फिलहाल के लिए यार कुछ गेम्स ऐसे हैं जो क्रैश हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा गेम आपके लिए कंपेटेबल रहेगा और कौन सा गेम यहाँ पर अभी प्लेबल है. तो दैट्स वाई यार अभी सारे गेम्स अभी हम रैंडमली चला के नहीं देख सकते, आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा. पहले यूट्यूब में देख लेना कि भाई वो गेम वर्किंग है या नहीं, उसके बाद ट्राई करना. जैसे कि अभी वॉच डॉग्स भी यहाँ पर हम खेल सकते हैं बट उसके लिए यार मेरे को उसे पर्सनली खुद टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि वो प्लेबल है या नहीं. या कहीं पता चला क्रैश होने लग गया तो आपका जो है डेटा वेस्ट हो सकता है. सो या गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको आज के वीडियो अच्छा लगेगा. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना. मैं मिलूंगा आपको अंदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय, सायोनारा.